लॉकडाउन में बंद दुकानों को खोलने की मांग। ब्यावर व्यापार संघ द्वारा एसडीओ को सौंपा गया ज्ञापन। ब्यावर से हेमंत साहू की रिपोर्ट। ब्यावर व्यापार संघ के बैनर तले व्यापारियों ने एसडीओ राम प्रकाश को ज्ञापन सौंपकर लॉकडाउन में बंद दुकानों को खोलने के आदेश देने की मांग की। व्यापारियों ने चांग गेट से मुख्य बाजार में वाहन रैली के रूप में हाथों में तख्तियां लेकर उपखंड कार्यालय पहुंचकर प्रदर्शन कर बंद दुकानों को खोलने के आदेश देने की मांग की। उपखंड अधिकारी राम प्रकाश ने व्यापारियों की पीड़ा को समझते हुए सकारात्मक आश्वासन दिया। ब्यावर व्यापार संघ के तत्वाधान में करीब 400 व्यापारियों ने कोविड-19 नियमों की पालना कर मास्क लगाकर अपनी व्यथा एसडीओ को सुनाई। व्यापारियों के शिष्टमंडल ने ज्ञापन सौंपते हुए एसडीओ को बताया कि विवाह सावे की सीजन चल रही है। विवाह पक्ष के परिवारों ने विभिन्न दुकानदारों को विवाह सामग्री के लिए ऑर्डर किए हुए हैं, लेकिन विवाह पक्ष के लोग लॉकडाउन में सरकार द्वारा दुकान बंद रखने के आदेश से समय पर सामग्री नहीं मिलने से परेशान हो रहे हैं, अतः लॉकडाउन में बंद दुकानों को खोलने के आदेश देने की मांग की है। उपखंड अधिकारी ने व्यापारियों की पीड़ा को समझते हुए कुछ उपाय निकालकर समस्या का समाधान करने हेतु आश्वस्त किया। व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को खोलने की अनुमति देने के संबंध में दिए गए ज्ञापन के दौरान ब्यावर व्यापार संघ के प्रदर्शन में संजय घिया, गजराज आचार्य, मुकेश बंग, दिलीप भाई, कपिल भारती, लक्की भारती, विजय लोंगानी, दिनेश सावलानी, भगवान दास, पंकज झेड़ा सहित विभिन्न व्यापार संघ से जुड़े अनेक व्यापारी मौजूद रहे। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं, आप कहीं भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहाँ आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एक्सेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड अजमेर। गहलोत ने जो ये लॉकडाउन लगाया है, इसमें व्यापार में उन्होंने बहुत फर्क डाल दिया। व्यापारी सब एक है, हम यही चाहते हैं कि जिस प्रकार से इन्होंने आधा खोला आधा बंद किया है, हम ये चाहते हैं कि सारे व्यापारी को ये एक लिमिटेड समय दे दें, ताकि सब व्यापारी अपना बिजनेस करके और सारे अपने अपने घर चल जाए। गवर्नमेंट के सारे नियमों को, कोविड नियमों को बिल्कुल तरीके से पालन करेंगे और हमारी सबसे बड़ी मांग यही है, सब व्यापारी जो भी जितने भी व्यापारी आए हैं, सब अलग अलग अपने पर्सनल लेवल पर आके अपने एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया है। और एसडीएम साहब को हमने यही कहा है कि जो आप जो कह रहे हो कि सब फटर उन्दर करके काम कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो व्यापारी की प्रॉब्लम है। आप व्यापारी को 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे का कुछ भी समय दे दोगे, व्यापारी हर तरह से आपके साथ है। व्यापारी कभी भी प्रशासन से विरुद्ध नहीं जाता है। व्यापारी वैसे ही पहले बिल्कुल मरा हुआ है, लेकिन आज की जो स्थिति पैदा की है उससे हो सकता है।